सतनाम श्री वाल्मीकि साहब जी, सतनाम श्री वाल्मीकि साहब जी। वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, अजर अमर अंडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्व पूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जे सया सचराचरम। शरण तिहारी आए हां, राखो सिर पर हाथ, कर कृपा वर दीजिए प्रभु जी, जोड़े दोनों हाथ, प्रभु जी जोड़े दोनों हाथ। जो बोले सौंदर पे अजर अमर त्रिकाल दर्शे, वाल्मीकि दयावान जी की जय। सो पहला तो गुरु प्यारियो, जिन्हां जीवां दे अंदर कोई सिखण दा जनून होता है, उस जीव के मन में अनेक प्रश्न सवाल जन्म लेते हैं, जिनके अंदर कुछ सीखने का प्राप्त करने का जुनून होता है, उनके मन में अनेक प्रश्न उठेंगे, सवाल उठेंगे। सो ऐसे ही एक परमात्मा के जीव पानीपत से पाई तीरथ जी, सो उनका उनका सवाल है कि भाई साहब, हमको भव सागर और मोक्ष के बारे में बताओ। ये भव सागर क्या होता है, ये मोक्ष क्या होता है, ये बताओ। सो अजर मित्र कालदर्शी सतगुरु शब्द गुरु महाराज जी कृपा करें, दया दृष्टि करें अपने बच्चे पर, अपने दास पर, तुष्ट बुद्धि प्रदान दे और विचार कर सके। सो सबसे पहले तो सतगुरु कबीर दास जी, उनका वचन है, क्या समझाते हैं महाराज, के दुर्लभ मांस जन्म है, दे न बारंबार, तरवर जो पाता जड़े, मुड़ ना लागे डाल। कबीरदास जी समझौना करते ने जीव न, इस प्राणी को, हे प्राणी, हे जीव, इस देह का, इस शरीर का, इस मानस जन्म का जो तू आनंद ले रहा है, जो सुख ले रहा है, और जो जन्म तुझको प्राप्त हुआ है, ये बड़े नसीबों की बात है, बहुत ही बड़े नसीबों की बात है, जो तुझको ये मानस जूर प्राप्त हुई है, जे देह, जे शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े कर्मों की बात है जे, और जे मानस जन्म आपको बार बार मिलने वाला है नहीं, जे दुर्लभ है, जे जन्म, जे देह, जे शरीर, जे सुख, जे आनंद दुर्लभ है, अर्थात कि खोजने से भी प्राप्त होने वाला जे जन्म है नहीं। पूरा संसार खोज लो, एक बार जन्म गया, जे शरीर गया, तो बार बार जे प्राप्त होने वाला है नहीं। सो इस जीवन का जो असल उद्देश्य है, जो उपदेश है, उस उद्देश्य को, उस उपदेश को समझ और प्राप्त कर उस सुख को जो परमात्मा ने तेरे को बख्शिश किया है, उस सुख को प्राप्त कर, जो सुख प्राप्त करने के लिए इस जहां में आया है, मानस जन्म तेरे को मिला है, उसकी खोज कर। क्योंकि कबीरदास समझाते हैं कि एक बार जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, दुर्लभ है, खोजने से भी नहीं मिलेगा। कि जैसे
पेड़ के साथ पत्ता लगा होता है, टहनी के साथ पत्ता लगा होता है, और पत्ता उतर जाता है, जड़ जाता है, और उस टहनी के साथ एक नया पत्ता आ जाता है, पर जो पत्ता गिर जाता है जमीन पर वो तो खाक हो जाता है, राख हो जाता है, मिट जाता है, फना हो जाता है, दोबारा टहनी पर रुख पर नहीं लगता। ऐसा ही ये जन्म है, एक बार मिला है, जेकर असल उद्देश्य को नहीं समझे, असल उपदेश को नहीं समझे, जिस पत्ते की तरह है, जैसे पत्ता टहनी से अलग हो गया फिर दोबारा नहीं लगा उस पेड़ पर, राख हो गया, फना हो गया, ऐसी तेरा जय जन्म फना हो जाएगा, तेरा शरीर फना हो जाएगा, जो परम सुख की जो प्राप्ति तू करने आया है वो प्राप्त नहीं कर सकेगा, जय जन्म दोबारा मिलने वाला है नहीं। सो अपने असल उद्देश्य को समझ, असल उपदेश को समझ और चल उस पर, प्राप्त कर उस सुख को। सो जहां रामचंद्र जी मन में सवाल आया रामचंद्र के कि आदमी जन्म लेता है, मर जाता है, बचपन होता है, बचपन में सभी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सबका वो बच्चा प्यारा होता है, प्रीतम होता है, और जब बचपन जवानी की ओर जाता है तो वो जवानी औरत के नूर पर, हुसन पर फिदा हो जाती है वो जवानी, और औरत का जो संग है वो एक दिन उस पुरुष को, उस जवानी को खोखला कर देता है, निर्बल कर देता है, अंत में वो जीव मूर्छित हो जाता है, मर जाता है। और जब जीव मरने के लिए पैदा हुआ है तो फिर असल उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या पाने को जीव आता है, ऐसे अनेका सवाल रामचंद्र के मन में पैदा हुए। और हल कहां से मिला, उत्तर कहां से मिला, पावन योग वशिष्ठ की वाणी से उत्तर मिला कि आपका असल उद्देश्य क्या है। वो असल उद्देश्य गुरुवाणी ने समझाया, परमात्मा वाल्मीकि की योग वशिष्ठ की वाणी ने समझाया रामचंद्र को। फिर वो असल उद्देश्य को पकड़ा, परम सुख को पकड़ा, तो वो ही रामचंद्र राम भगवान हो गए। ये गुरु की कृपा है, वाणी की कृपा है। स्वाओ प्रश्न पर आते हैं। सुजीव ने प्रश्न किया कि भव सागर और मोक्ष क्या होता है। सुजहां हम वचन लेंगे ज्ञान प्रकाश जी आदिवासी का कौमी ग्रंथ, उसमें आता है कि सो विचार भी करना है, ध्यान भी देना है कि नूर तेरे का नूर है सब में, ज्योत तेरे की ज्योति है, नाम तेरे का सिमरन ईश्वर सबले मोक्ष मोती है। सूरज चौर करे किरणों का गगन आरती करता है, जो जो भजन आपका करता भव सागर से तरता है। सो इस शब्द में देखो भव सागर का जिक्र भी आ गया और मोक्ष का भी जिक्र आ गया। सो भव सागर क्या है, भव सागर क्या है? हम एक तो बाहरला सागर है, अनेकों सागर है, और उस सागर को पार करने के लिए प्लेन बने हुए हैं, जहाज बने हुए हैं, किश्ती बनी हुई है। आदमी खुद प्लेन नहीं चला सकता, किसी और को पैसा देगा, जहाज का सफर करेगा, वो समुद्र को पार कर लेगा। एक मलाह को, एक किश्ती के ड्राइवर को पैसा देगा, उस समुद्र को
पार कर लेगा। ये तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक तो ये बाहर का सागर है और एक सागर अंदर का है, जो हमारे अंदर है। ये संसार भी एक सागर है, संसार भी एक सागर है। कौन सा सागर है? वो सागर गर्भ का सागर है भाई, गर्भ का सागर है। जिस गर्भ से हम पैदा हुए हैं वो सागर, और वो सागर बाहर के सागर से बहुत ही खौफनाक है, खतरनाक है, बहुत ही दुखदाई है। और उस सागर में जो जीव इंसान उल्टा लटका हुआ आता है, ऐसा सागर है वो, बल सागर बोलते हैं वाणी में इसको। कि मछली जो बिन पानियों तड़प तड़प मर जाए, भगत इन्हें भगवान बिन लखा गर्भ हंडाए। जैसे मछली होती है पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसे भक्त है, गुरु सेवक है, कि जब तक तो वो परमात्मा में भगवान में समा नहीं जाते, तब तक वो गर्भ में आते हैं जाते हैं, गर्भ सागर में आते हैं जाते हैं। वो दुख वो नरक उनको सहना पड़ता है, जन्म का और मरण का। तब तक जब तक वो भगवान में परमात्मा में समा नहीं जाते, जे आत्मा परमात्मा में नहीं समा जाती, जे चाल चली जाती है। 1,84,000 जीव है, जूनी है, और 1,84,000 भोग के जे सफर मुका के इंसान को मांस जून प्राप्त होती है। 1,84,000 जन्म भोग कर जे दुख भोग कर इंसानी जमा मिलता है, इंसानी जूनी मिलती है, जे देह प्राप्त होती है। किस लिए प्राप्त होती है? कि आत्मा और परमात्मा का मेल मिलाप हो सके, इसलिए। यही जन्म है, ये मांस जन्म है, इस जन्म में ही आत्मा और परमात्मा एक हो सकती है, नहीं तो और दूसरा कोई जन्म नहीं है। इसी जन्म में आदमी भव सागर से पार हो सकता है, नहीं तो और जन्म नहीं है। भव सागर गर्भ का सागर, मां की पेट का सागर, वो सागर की बात है। जन्म योग विशिष्ट में परमात्मा बाल में समझाते हैं, आत्मा परमात्मा का अंक है। जे आत्मा परमात्मा से पैदा हुई है, जे जन्म में नहीं आती, जे मरण में नहीं आती, सिर्फ इसका परिवर्तन होता है, देह का शरीर का परिवर्तन होता है। जे परिवर्तन तब तक चलता है जब तक जे आत्मा अपने परमात्मा में समा नहीं जाती, तब तक इसका परिवर्तन चला रहता है। कभी मछली बन गया, कभी पेड़ बन गया, कभी जानवर पंछी बन गया, ऐसा होता है। जे चाल ऐसे चली रहती है तब तक जब आत्मा परमात्मा एक नहीं हो जाते। इसलिए मछली जो बिन पानियों तड़प तड़प मर जाए, भगत इमे भगवान बिन लखा गर्भ हंडाए। लखा ही शरीर भुगने पैंदे ने, लखा ही जूनियां भुगनिया पैंदियां ने, उदों तक कि जब तक आत्मा ते परमात्मा एक नहीं हो जाते। यह भव सागर दे विच इंसान डुबदा ही रहिंदा, डुबदा ही रहिंदा, डुबदा ही रहिंदा है, उदों तक जो तक आत्मा ते परमात्मा एक नहीं हो जाते। सो यह है भव सागर, गर्भ का सागर। असी गर्भ सागर विचों आए हैं, तो गर्भ सागर जहाज उत्थे काम नहीं करते, उत्थे किश्तियां काम नहीं कर दियां, उत्थे गुरु का नाम काम करता है, उत्थे गुरु का नाम शब्द ही बेड़ा है। बेड़ी नाल तरे जो लोहा,
इउं सतगुर संग तरदे बंदे। जे बेड़े दे नाल लोहा तर जांदा है, इहदे सतगुर की कृपा लैके नाम शब्द लैके नाम रूपी जहाज लैके नाम रूपी बेड़ा लैके इह जीव आत्मा उस भव सागर नूं गर्भ दे सागर नूं पार उतारा कर लैंदी है। सतगुर तों बिना इह भव सागर नूं कोई पार नहीं कर सकदा, गुरु दे नाम रूपी जहाज तों बिना कोई पार नहीं कर सकदा। जिवें गुरु नानक देव जी, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नंद दास जी समझाना करके नाम गुरु दा नाम गुरु दा शब्द ही जहाज है साढ़े वास्ते, एक बेड़ा है साढ़े वास्ते, एक नौका है साढ़े वास्ते जो सानू भव सागर तो पार उतारा कर सकता है। नहीं तो कोई होर बेड़ा नहीं, होर जहाज नहीं। भव सागर के जन्म मरण का सागर, गर्भ का सागर, गर्भ आनी जानी बंद, सदा वास्ते परमात्मा विच समा जाना, इनू कहिंदे ने मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा। छुटकारा किस चीज़ तो, मुक्ति किस चीज़ तो, मोक्ष किस चीज़ तो, जन्म मरण तो। जदों आत्मा ते परमात्मा एक हो जाते ने, शब्द गुरु का सहारा लैके नाम का बेड़ा लैके, तो फिर बंदा ये जीव मोक्ष नूं प्राप्त कर लैंदा, मुक्ति नूं प्राप्त कर लैंदा है, छुटकारे नूं पा लैंदा है, भाव के जन्म मरण तो परे हो जाता है। आना जाने के चक्कर तो, लख 84 दे चक्कर तो परे हो जाता है, सदा वास्ते वो परमात्मा विच समा जाता है जिथों वो आया हुंदा है। ये आत्मा जिथों आई हुंदी उत्थे समा जाती है, फिर ना आउंदी है ना जाती है, ना जन्म विच ना मरण विच। इस तरह है सुमुक्ति, लख 84 तो छुटकारा है, गर्भ तो छुटकारा है, जन्म मर तो छुटकारे नूं मुक्ति किया गया, मोक्ष किया गया। इत्थे परमात्मा वाल्मीकि महाराज समझाउंदे ने कि ज्ञान दे द्वारा भ्रम दा नाश हो जाण ते दिसण वाला संसार कुछ भी नहीं रहिंदा, क्योंकि मुक्ति पाउणी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, छुटकारे नूं पाउणा है, जन्म मर तो परे होना है, भव सागर नूं तरना है, तो उहदे वास्ते ज्ञान दा जरूरी है, ज्ञान दा जरूरी है। ते ज्ञान द्वारा भ्रम दा नाश हो जाण ते दिसण वाला संसार कुछ भी नहीं रहिंदा। जदों मन तो भ्रम दूर हो जाता है तां श्रेष्ठ मोक्ष दी प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति दी प्राप्ति हो जाती है, लख 84 तो छुटकारा प्राप्त कर लैंदा है ये जीव। अगे महाराज दसदे ने गुरु वाल्मीकि महाराज जी कि मोक्ष नाम दी वस्तु, मोक्ष नाम का पदार्थ है जो, वो ना तो पताल में है, ना भूमि में है, ना आसमान में है, वो कहाँ है? जब हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं, हमारा भ्रम नाश हो जाता है, जब मन का लय हो जाता है, मन का नाश हो जाता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मन का नाश हो जाना, अपनियां इच्छावां, मनोकामना, भावनावां, भरम भुलेखे, अंधविश्वास नाश हो जाने, इसनों मोक्ष कहिंदे ने, मुक्ति कहिंदे ने। सब तो सौखा आपां लै लईए कि जो जीव दुख विच सुख विच समान रूप रहिंदा है, उह समझ लो कि मोक्ष नूं प्राप्त कर चुका है, मुक्ति नूं प्राप्त कर चुका है, भव सागर तों पार उतारा कर चुका है। जिहड़ा प्राणी दुख विच वी समान रूप रहिंदा है, सुख विच वी समान रूप रहिंदा है, किसी तों नफरत नहीं करदा, घिरना नहीं करदा, गल गल उत्ते बात बात पर दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, प्रेम में रहता है हर समय, वो मुक्त है, वो जीव मुक्त है। अभी देखो दुख आता है तो हम लोग रोते हैं, कुरलाते हैं,
सुख आता है तो नशे प्याले पीते हैं, खूब मस्ती करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। और जो जीव मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, भवसागर से पार कर चुका है, हो चुका है, वो तो दुख में रोता नहीं है, कुरलाता नहीं है, उस अल्लाह को, ताला को, परमात्मा को ताने नहीं देता, गाली गलौज नहीं करता। और सुख में भी वो आनंद में है, सुख में भी वो नाचता नहीं है, गाता नहीं है, नशे प्याले नहीं पीता। जैसा दुख में है वैसा ही सुख में है, कोई परिवर्तन नहीं है। समझ लो, जान लो कि वो जीव मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, पावसाल से उसका बेड़ा पार हो चुका है, वो जन्म मरण से मुक्त हो चुका है। मुक्ति प्राप्त करनी है, पाव सागर से पार उतारा करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, जे भी जीते जी, मरने के बाद बात नहीं है, जे भी जीते जी, जीते जी ही इंसान पाव सागर से पार हो सकता है, जीते जी ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जीते जी, वो भी गुरु की कृपा के साथ, गुरु के नाम शब्द बेड़े के साथ सारा लेके भव सागर से पार उतारा करना है। वहां गुरु का शब्द बेड़ा है, जहाज है, मुक्ति को प्राप्त करना है, वहां गुरु की कृपा है। सो इतना ही है, दोबारा फिर बताना चाहेंगे कि भव सागर बोलते हैं गर्भ को, गर्भ में आना जाना ये भव सागर है। मुक्ति इस गर्भ जून से आने जाने को, मुक्त हो जाना, रहित हो जाना, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, सदा के लिए परमात्मा में समा जाना इस जीव आत्मा का, ये मोक्ष है, ये मुक्ति है। सो जहां अपनी रचना को देते हैं विश्राम, सुहोइयां कमियां त्रुटियां तो सतगुरु महाराज खिमा करन, बख्श लैन। समराज हर जीव नु नाम शब्द जहाज बख्शिश करे, नाम शब्द बेड़ा बख्शिश करे, कोना बख्शिश करे, तां जो असीं दुनिया दे भव सागर नु पार उतारा कर सकीए, मोक्ष नु प्राप्त कर सकीए, मुक्ति नु प्राप्त कर सकीए, क्योंकि नाम रूपी बेड़े नाल ही ओदी प्राप्ति होनी है। जो बोले सौ निरपै परम पिता परमात्मा।